तमिलनाडु के डिंगीटुल जिले में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी DVIC के अधिकारियों ने ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक आरोपी डॉक्टर से केस बंद करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत ली है। DVIC अधिकारी ने डॉक्टर से इस मामले में पूछताछ की और अब उसे डिंडीगुल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए DVIC कार्यालय ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ईडी अधिकारी अपनी टीम के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा था और उसे धमकाया, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। डिंडीगुल के DVIC अधिकारियों ने शुक्रवार तड़के मदुरे डिंडीगुल 4-way lane पर कोड़ई कनाल रोड टोल कलेक्शन प्लाजा के पास ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने उनकी कार से 20 लाख रुपए नकद जब्त किए, जो से कथित तौर पर रिश्वत के रूप में मिले थे। पुलिस ने कहा है कि तिवारी को पूछताछ के लिए डिंडीगुल में DVIC कार्यालय में ले जाया गया है। सूत्रों के मुताबिक डिंडीगुल के सुरेश बाबू से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में उप अधीक्षक के रूप में काम किया था। 2018 में उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया गया। तिवारी के कुछ महीनों के पहले ही उससे संपर्क किया था और कहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी उनके खिलाफ जांच शुरू करेगी, जिसको खारिज करने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की। बाबू के मुताबिक ईडी अधिकारी ने उनसे 3 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की थी और उन्हें आरोप मुक्त करने का आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने मांग मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद तिवारी ने बाबू से 51 लाख रुपए देने के लिए बातचीत की। डॉक्टर ने कहा कि 1 नवंबर को उन्होंने मदुरई नाथम रोड पर एक स्थान पर अंकित तिवारी को 20 लाख रुपए नकद सौंपे थे।